स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू टीच यू द हेरिटेज ऑफ इंडिया। द चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए एल वसंत्स बुक टाइटल्ड द वंडर दैट वाज इंडिया। इट इज ए सर्वे ऑफ द इंडिया culture and talks about the role of great Indian leaders like Ram Mohan Roy, Vivekananda and Mahatma Gandhi etc. in reforming India. About the author. Author A.L. Vasam was born 1914. He was a noted historian and ideologist. वह एक आदर्शवादी ऐतिहासिक लेखक थे। एज ए प्रोफेसर एट द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन इन 1950 एंड 1960। एज ए प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के रूप में एट द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में उन्होंने लंदन में 1950 से 1960 तक कार्य किया। He taught a number of famous Indian historians. उन्होंने taught पढ़ाया a number of अनेकों famous प्रसिद्ध Indian भारतीय historians इतिहासकारों को। His father had been a journalist. उनके पिता एक पत्रकार रह चुके थे। Who served in the Indian Army at Kosauli near the Shimla. शिमला के निकट कौसोली में उन्होंने एक आर्मी में सेवा की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड, प्रथम विश्व युद्ध के समय। वसम्स मदर वाज ऑल्सो ए जर्नलिस्ट। ए एल वसम की माता भी एक पत्रकार थी एंड स्टोरी राइटर, एक कहानी लेखक। ही अटेंडेड द पीएचडी इन 1950। उन्होंने 1950 में पीएचडी की। बसमबाज अपॉइंटेड ए प्रोफेसर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। एल बसमबाज अपॉइंटेड नियुक्त हुए प्रोफेसर प्राध्यापक एट द एशियाटिक सोसाइटी में ऑफ कलकत्ता इन सितंबर 1985, सितंबर 1985 को। ही डाइड इन कलकत्ता। वह कोलकाता में गुजरे जनवरी 1986 को। हिज वर्क द वंडर दैट वाज इंडिया एंड मैनी अदर बुक्स। द वंडर दैट इंडिया, इट इज़ द बुक फ्रॉम दिस चैप्टर हैज बीन टेकन। अबाउट द लेसन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज ए पोर्शन। एक हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, इज ए पोर्शन, एक भाग है। विच फाइंड, जिसमें हम पाते हैं, प्लेस इन बॉम्बे बसम्स ग्लोरियस वर्क। बसम की ग्लोरियस शानदार वर्क कार्य, द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर वह आश्चर्य, दैट वाज इंडिया जो भारत है। द लेसन इज द मिरर ऑफ स्प्लेंडिड इंडियन कल्चर। द लेसन पार्ट अध्याय इज द मिरर, दर्पण है, ऑफ स्प्लेंडिड शानदार इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का पाठ, भारतीय संस्कृति का शानदार दर्पण है। इंडियाज कल्चर हेरिटेज इज कंटेन इन द उपनिषद एंड पुराण्स। इंडियन कल्चर्स, भारतीय संस्कृति, हेरिटेज, विरासत है, इज कंटेन, रखती हुई, उपनिषदों को, पुराणों को। सोशल सर्विस वाज ट्रीटेड एज ए रिलीजियस एक्ट, जहां पर सामाजिक सेवा को एक धार्मिक सेवा के रूप में लिया गया है। द Malpractice in social customs has been washed out. The whole system is modifying to current period. पूरा जो प्रणाली है modify की गई है, कार्य करने का ढंग बताया गया है, to connected period, जुड़े हुए समय से। हिंदू civilization has firm base. हिंदू civilization रखती है firm base, दृढ़ आधार। सो इट विल कंटिन्यूड एंटायरली, इसलिए संपूर्णता से जारी रही।
राममोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम, राममोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम, उस कथानक को साउंडेड कर चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं। विथ पैशनेट एडवोकेसी, बहुत दृढ़ता की वकालत के साथ, ऑफ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सेवा को स्वामी विवेकानंद ने इसको रिपीटेड किया, पुनरावृत्ति की। विद मोर अत्यधिक नेशनलिस्टिक टिम्बर, राष्ट्रीय विचारों के स्वर के साथ, वहन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषणा की, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का उच्चतम रूप, ऑफ द मदरलैंड, मातृभूमि का, वाज सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा है। मातृभूमि की सबसे अधिक सेवा का भाव सामाजिक सेवा है। द अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे महान भारतीयों ने, चीफ ऑफ होम, जिनमें मुख्य थे महात्मा गांधी, डेवलप, विकसित किया है द थीम, इस कथानक को, ऑफ सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा के, एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य है, एंड द डेवलपमेंट, और ये विकास कंटिन्यू जारी रहा अंडर द गांधीजीज सक्सेजर एंड अंडर निर्देशन में, गांधी जी के सक्सेजर्स, अनुयायियों के। गांधी जी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, गांधी जी को वाज लुक्ड ऑन समझा जाता था बाय मैनी, अनेक लोगों द्वारा, बोथ दोनों ही, इंडियन भारतीय एंड यूरोपियन और यूरोपियन, एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, एज द एपिटोम प्रतीक के रूप में, एपिटोम प्रतीक ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा का, बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, यह एक गलत निर्णय है, और क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वे अत्यधिक प्रभावित थे बाई वेस्टर्न आइडियाज, पाश्चात्य विचारों से भी। गांधी जी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स, बेसिक में, मूलभूतों में, ऑफ द एंशियंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति की। गांधी जी प्राचीन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, बट लेकिन हिज पैशनेट लव, उनका अत्यधिक प्रेम, ऑफ द अंडरडॉग्स, दलितों के साथ, एंड एंटीपैथी, और उनकी घृणा टू कास्ट, जातिवाद पर, नॉट अनप्रिसिडेंटेड इन इंडिया, भारत में अभूतपूर्व, अनप्रिसिडेंट, अभूतपूर्व, बर अनऑर्थोडॉक्स इन स्ट्रीम, अनऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी इन द स्ट्रीम, प्रचुर मात्रा में, एंड ऑब्ड ओबे टू, और वो इसके लिए ऑब्ड ऋणी है, मोर अत्यधिक टू यूरोपियन कल्चर का, 19वीं सदी के लिबरलिज्म उदारवाद का, देन टू एनीथिंग इंडियंस, भारतीय किसी दूसरी विशेषता के। हिज फेथ, उनका विश्वास इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में बाज था, एज क्योंकि वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदूइज, बहुत अनेक प्रकार के हिंदूज के दर्शन से। हिज प्रोसीडेड इन रिवोल्ट, उनके अनुयायी जो रिवोल्ट विद्रोह में रहे, एवल समर्थ थे, मराठा, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी इम्पिटेंट ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट कहते हैं इसको, ल्यूटिनेंट लेफ्टिनेंट, सुभाष चंद्र बोस बर मोर ऑर्थोडॉक्स, अत्यधिक रूढ़िवादी थे इन दिस रेस्पेक्ट, इस संदर्भ में। फॉर क्योंकि गांधी जी का पैसिफिज्म, शांतिवाद, वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए टू द सर्मन ऑन माउंट, ईसा मसीह द्वारा पहाड़ी पर दिया गया संदेश, और टोलस्टॉय द्वारा की विचारधारा। हिज कैंपेनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, उनका महिलाओं के अधिकारों के बारे में, इज द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पाश्चात्य दर्शन का परिणाम है। इन दिस सोशल कॉन्टेक्स्ट, इस सामाजिक प्रसंग में, ही वॉज ऑलवेज रेदर, वे अत्यधिक, हमेशा रेदर अपेक्षाकृत, एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, एक इनोवेटिव थे, आगे बढ़ाने वाले थे, एंड कंजर्वेटिव, संकीर्णता के भाव से ऊपर उठकर,
दो यद्यपि सम ऑफ हिज कुलीग्स उनके कुछ साथी थॉट सोचा दिस प्रोग्राम यह उनका कार्यक्रम ऑफ लिमिटेड सीमित है, सोशल रिफॉर्म सामाजिक सेवा का ठूसिलो इतना धीमा है। ही सक्सीडेड लेकिन वे सफल हो गए इन शिफ्टिंग बदलने में द होल इम्फेसिस ऑफ हिंदूज हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट थ्रोट टूवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर। वो अपने हिंदुत्व के इस प्रभाव को टूवर्ड्स ए पॉपुलर एक प्रसिद्ध इक्वलिटेरियन समानता के साथ सोशल ऑर्डर सामाजिक क्रम को बदलने में सफल हो गए इन प्लेस ऑफ द हायरार्की। और इस समतावादी इक्वलिटेरियन समतावादी समान रूप से हायरार्की पदक्रम में इन प्लेस द क्लास वर्ग एंड कास्ट जातिवाद, यानी कि उन्होंने वर्ग और जातिवाद की इस पदक्रम को भी बदलने में सफल हो गए। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस फॉलोइंग अप अनुसरण किया द वर्क ऑफ मैनी लेस बहुत कम लोगों ने वेल नोन 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी तक रिफॉर्मर समाज सुधारक गांधी जी एंड हिज फॉलोअर गांधी जी और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल भारतीय कांग्रेस के हैव गिवन दे चुके हैं न्यू ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन माने दिशा एंड न्यू लाइफ एक नया जीवन टू हिंदूज कल्चर भारतीय संस्कृति को आफ्टर सेंचुरीज अनेक शताब्दियों के बाद टुडे आज भी आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेगनेशन आफ्टर बाद में सेंचुरी शताब्दियों की स्टेगनेशन कहते हैं सड़न, यानी कि टुडे देयर इज ए वेरी फ्यू इंडियंस लेकिन टुडे आज देयर आर फ्यू इंडियंस कुछ ऐसे भारतीय हैं व्हाट एवर देयर क्रीड उनका कोई भी धर्म हो क्रीड मीन्स रिलीजन हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एशियंट कल्चर। जो लुक बैक विद प्राइड स्वाभिमान के साथ नहीं देखते ऑन देयर इंडियन कल्चर अपनी भारतीय संस्कृति को एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियन और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय हैं हु आर नॉट विलिंग जो इच्छा नहीं कर रहे हैं टू सेक्रीफाइज अलग होने की सम ऑफ द इफेट एलिमेंट्स उन तत्वों से सो दैट ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस ताकि भारतीय विकास कर सके उन्नति कर सके पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से एंड इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से इंडिया फेसेज भारत सामना करता है मैनी प्रॉब्लम्स अनेक समस्याओं का ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी बड़ी कठिनता के साथ परेशानियों के साथ एंड नो वन कैन फोरकास्ट और कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता फोरकास्ट प्रेडिक्ट भविष्यवाणी हर फ्यूचर उसके भविष्य के बारे में विद एनी सर्टेनिटी किसी निश्चितता के साथ सर्टेनिटी निश्चितता बट इट इज सेफ यह है सुरक्षित है टू प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना दैट व्हाट एवर द फ्यूचर में भी भारत का कोई भी भविष्य हो द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन आने वाली भारतीय पीढ़ी विल नॉट बी अनकविंस एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोटिम यूरोपियन यूरोपीय संस्कृति की एक नकल नहीं होगी बट विल मैन रूटेड लेकिन मनुष्य जुड़े रहेंगे देयर ट्रेडिशन अपनी परंपराओं से एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर और अपनी संस्कृति की निरंतरता से परिचित होंगे ऑलरेडी पहले से ही आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भारत की आज़ादी के 7 वर्ष के बाद भी द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चर सोबिज्म आर डिसअपियरिंग सेल्फ डेनिग्रेशन आत्मबदनामी ऑलरेडी पहले से ही आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी के 7 वर्षों के बाद भी द एक्सट्रीम
अत्यधिक सेल्फ डेनिग्रेशन, आत्म बदनामी एंड फैनेटिकल कल्चर सोइज्म, और भारतीय जो संस्कृति है डिसअपियरिंग, गायब हो रही है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति इज इन द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड मोस्ट एक्सपेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। स्पेक्टुलर बहुत शानदार, फीट करतब ऑफ सिंथेसिस समन्वय का। हम वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं द हिंदू भारतीय हिंदू सिविलाइजेशन सभ्यता इज ए एक्ट कार्य कर रही है परफॉर्मिंग बदलने का। इट्स इसका स्पेक्टुलर शानदार तरीके से फैक्ट कार्य ऑफ सिंथेसिस समन्वय का। इन द पास्ट, अतीत में, इट वाज रिसीव्ड, ये ग्रहण किया गया, अडेप्टेड अनुकूलन किया गया एंड डाइजेस्टेड समाहित किया गया एलिमेंट्स तत्वों को ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर, अनेक अलग अलग संस्कृतियों को, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटेमियन, इरेनियन, ग्रीक, रोमन, सिथेसियंस और तुर्किस, यानी कि बहुत सारी विदेशी संस्कृतियों को डाइजेस्ट किया गया, अडेप्टेड किया गया, रिसीव किया गया। पर्शियन एंड अरब विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक का एक नया प्रभाव, इट हैज़ सम्भाट, कुछ ना कुछ चेंज बदला है, प्रत्येक के प्रभाव ने भारतीय संस्कृति में कुछ ना कुछ बदला है। नाउ अब इट इज़ वेल ऑन द वे एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। नाउ अब इट इज़ वेल, ये ठीक है, ऑन द वे उस तरीके से टू एसिमिलेटिंग द कल्चर, संस्कृति में एसिमिलेटिंग परिपाक करना ऑफ द वेस्ट, पाश्चात्य संस्कृति की ओर। द हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं रिटेन, सुरक्षित रहेगी, इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता में। द भागवत गीता विल नॉट सीज, भागवत गीता विल नॉट सीज, नहीं रोकेगी, सीज मीन्स स्टॉप करना, रोक। टू इंस्पायर, प्रेरित करना, मैन ऑफ एक्शन, मनुष्य को कर्मशील बनने के लिए। एंड द उपनिषद, मैन ऑफ थॉट्स, और उपनिषद भारतीय लोगों को चिंतनशील बनाएंगे, द यानी कि कर्मशील होंगे इंडियन, और मैन ऑफ एक्शन द चार्म एंड ग्रेसियसनेस, चार्म आकर्षण एंड ग्रेसियसनेस सुंदरता ऑफ द इंडियंस वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की शैली, विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। हाउएवर, किसी तरह, मच अफेक्टेड, प्रभावित होने के बाद भी, इट मे बी बाई लेवर सेविंग डिवाइस, श्रम बचाने वाली युक्ति के से ऑफ द बेस्ट, पश्चिम की श्रम बचाने वाली युक्ति के प्रभाव से भी अत्यधिक प्रभावित होने के बाद भारतीय दर्शन की ये सभ्यता, संस्कृति आकर्षण और सुंदरता के साथ जारी रहेगी। पीपल विल स्टिल लव, लोग पसंद करेंगे। द टेल्स ऑफ हीरोज, नायकों की कहानियाँ, द महाभारत, महाभारत के, द रामायण, रामायण के, एंड ऑफ लव्स, द दुष्यंत एंड शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम की कहानी, पुरर्वा एंड उर्वशी, उर्वशी और पुरर्वा के प्रेम की कहानी, द क्वाइट एंड जेंटिल हैप्पीनेस, शांत और सुखद प्रसन्नता, विच हैज एट ऑल टाइम, सभी समय, परलेव्ड इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन दर्शन में रहेगी, वेयर अपोजर्स डिसीज एंड प्रॉपर्टी हैड नॉट ओवरलिव, जहाँ पर विरोधी, कमजोर और पॉवर्टी, निर्धनता, हैव नॉट टू ओवर क्लाउड इट, श्योरली वेनिस, समाप्त नहीं करेगी, बिफोर द मोर हैक्टिक वेज ऑफ वेस्ट, पश्चिम के बहुत से बदलावों के कारण भी, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट, मच अत्यधिक वाज यूजलेस, निरर्थक था इन एशियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में, हैज ऑलरेडी पेरिश्ड, द एक्स्ट्रावेगेंट एंड
वार्विक हेक्टोम्स ऑफ द वैदिक एज हैज लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, यानी कि वैदिक युग के बहुत सारे एक्स्ट्रावेगेंट अपव्यय और बलि जैसे बुरे विचारों को क्या कर दिया गया है, भुला दिया गया है। दो यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइज पशुओं की बलि कंटिन्यूड सम सेक्ट कुछ समुदाय में जारी है, विडोज विधवा हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्नड ऑन देयर हस्बैंड पायर, पायर मीन्स चिता। अब विधवाओं को उनके पति की चिताओं के साथ जलाना सीज्ड रोक दिया गया है। गर्ल्स में नोट वाइला मैरिड इन चाइल्डहुड, बालिकाओं की शादी बचपन में नहीं की जाती है। इन बसेज एंड ट्रेन, बसों और कारों में ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में ब्राह्मण्स द सोल्जर्स, ब्राह्मण अपने साथ साथ चलते हैं। लोएस्ट कास्ट, निम्न और हाई वर्ग के साथ, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी अस्पृश्यता के भाव को लेकर। एंड टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल वाइला, और सभी के लिए कानून ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए हैं। कास्ट इज वैनिशिंग, जातिवाद समाप्त हो रहा है। द प्रोग्रेस बिगेन लॉन्ग अगो, द प्रोसेज प्रक्रिया बिगेन लॉन्ग अगो, जो बहुत लंबे समय पहले शुरू हुई थी। बट लेकिन इट्स पेस, इसकी गति इज नाउ सो रैपिड, इतनी तेजी से है। द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट में डिसअपियर विद ए न्यू जनरेशन, अत्यधिक विरोध करने वाले लोग भी डिसअपियर्ड विद जनरेशन, बदलती पीढ़ी के अनुसार गायब हो रहे हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, प्राचीन भारतीय परिवार प्रथा, इज अडेप्टिंग, अनुकूलन कर रही है इट्स सेल्फ अपने आप में, टू प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान दिनों के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत का चेहरा इज एल्टरिंग, बदल रहा है। बट लेकिन द कल्चर ट्रेडिशन, भारतीय संस्कृति और परंपरा कंटिन्यू जारी रहेंगी। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी समाप्त नहीं होगी। इन दिस चैप्टर ए एल वसम डिपिक्ट्स द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। वी होप दिस लेसन विल बी यूजफुल टू यू एंड यू विल लर्न ए लॉट ऑफ। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल।